हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। और देखते हैं आज किसका चार्ट देखना, किसके किसके रिक्वेस्ट हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा आज। कोशिश यही रहेगा कि सारे के सारे लोगों का आज हम लोग कर दें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अजय जी का। चलिए अजय जी का चार्ट बनाते हैं और देखते हैं इनका। तो यहाँ देख लेंगे 8 जुलाई 1989, 8:35 AM सुबह का है, कोल्हापुर, ठीक है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं यही डिटेल है कि नहीं इनका। इन्होंने लिखा है 8/7/1989, ठीक है, 8 जुलाई 1989, 8:35 AM कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो ठीक है, आइए इनके चार्ट को अब हम लोग आगे देखें, अच्छा बुरा सारा कुछ देख लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी सबका देखना है, इस वजह से मंगल नीच का है। लग्न में आके मंगल का नीच का हो जाना नहीं ठीक होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको गुस्सा जल्दी आएगा और गलत चीज़ों पे गुस्सा आएगा, ठीक है। इरिटेटेड फील करेंगे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आप मंगल का उपाय करें। सबसे पहला चीज़ आपको दिख गया होगा कि मंगल का उपाय हम लोग को ज़रूरी है। आइए उसके अलावा देखते हैं और क्या अच्छा दिख रहा है इसमें। देखिए चंद्रमा का होना ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा हो जाए, लगन में चंद्रमा होना बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये ना आपके बाकी सारी चीज़ों पे, मतलब एक तो इमोशनल बना देता है, मतलब फीलिंग फुल होता है, दूसरों की रिस्पेक्ट कर लेते हैं फीलिंग्स की, मंगल पे कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं और ये ठंडे, इसलिए इनके गुस्से पर वो कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ इन दोनों की युति, यानी चंद्रमा और शुक्र की, मंगल पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका भी गुस्सा कंपेरेटिवली कम है, जैसा कि नॉर्मली एक मंगल पर्सन के लिए होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप मांगलिक हैं ये आप जानते होंगे, बस आंशिक मांगलिक हैं, क्योंकि दो ठंडे ग्रह भी मंगल के साथ है तो इनका मंगल प्रभाव काफ़ी कम कर देते हैं। दूसरी चीज़ एक आप देखोगे, यहाँ शुक्र सूर्य बैठ के यहाँ आपके जॉब घर में देख रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, और गुरु भी साथ में है। आप कोई भी छोटे मोटे जॉब गवर्नमेंट के आराम से निकाल सकते थे। आइए एक बार और देख लेते। देखिए यहाँ चंद्रमा भी अपने ही घर में बैठा है, लग्न को मजबूत कर दिया है इसने। लग्न 23 डिग्री का है, यानी आपको लग्न की पूजा करने के साथ साथ सूर्य की डिग्री भी 20 है, ठीक है। गुरु की पूजा करनी थी, ठीक है, चंद्रमा और गुरु की पूजा करनी थी, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस क्लियर थे, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा जॉब दिखा रहा है। यहाँ पे बुध का कंडीशन भी बहुत अच्छा है, विदेश जाने को भी ये दे सकता है आपको, ठीक है। ये बुध की खुद की राशि है, यहाँ बैठा है, बाहर के लोगों से कनेक्शन, बाहर जाने का मौका ये देता है, ठीक है। यहाँ से अच्छा कनेक्शन आपका दिख रहा है। आइए केतु के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी फर्स्ट हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों आ जाए, क्योंकि बस एक नीच का मंगल है, तो आप बहुत अच्छे ब्यूटीफुल स्मार्ट पैदा है हुए हैं। बस यहाँ पे मंगल ने थोड़ी कमी की है, नहीं तो शुक्र और चंद्रमा आपको बहुत अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मंगल ने यहाँ पर कमी करती है। सेकेंड हाउस में आप देखेंगे कि केतु बैठा हुआ है, और इसको कौन देख रहा है इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। नहीं देख रहा कोई, ठीक है। तो सेकंड हाउस में केतु के होने का एक बात ये होता है, आपको बातचीत करते टाइम बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके बातों से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। केतु कमी रिप्रेजेंट करता है, तो इस भाव में कमी, आपके बातों में कमी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपको बात करने का तरीका थोड़ा और बेटर करना होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपका फैमिली भी है, फैमिली में केतु का होना आपको फैमिली खुशी जो होती है वो उसमें कुछ मिसिंग प्रॉपर्टी दे दे रहा है, जिस वजह से आप ये चीज़ जानते हो कि कुछ कमी आपको फील हो रही है। तीसरा यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, आपके पास पैसा, बैंक में पैसा, ठीक है, यहाँ से बैंक में पैसा देखते हैं। अब केतु है तो बैंक में पैसा तो है, लेकिन जितना भी पैसा होगा आपके पास वो आपको कम फील होगा। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है, लेकिन आपके साथ ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी आपके पास पैसा आप इकट्ठा कर पा रहे हो वो आपके नीड्स से कम ऐसा आपको फील हो रहा है। आप अपने इनकम पे और फोकस करेंगे, ये इनकम है, इनकम के स्वामी शुक्र हैं जो आके लग्न में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप पैसा बहुत अच्छा कमाओगे नो डाउट, ठीक है। यहाँ से एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। मंगल, शनि और चंद्रमा, चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं, शनि आके रोग भाव में बैठ गए हैं, और ये आपका है मंगल, मंगल भी आके बैठ गए किस में, आपके लग्न में, ये भी अच्छा कनेक्शन है। बस आपका क्या है, रिश्तों में प्यार में कमी दिख रही है आपको, बच्चे में लड़के होने के प्रॉब्लम दे रहा है ये बच्चों में,
बच्चे होने में प्रॉब्लम दे रहा है, बट कोई नहीं, इसको भी हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी तो ये चार्ट बहुत अच्छा है। आइए तीसरे घर की बात कर लेंगे। तीसरे घर से हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा वीरता देखते हैं। तीसरे घर से वीरता देखी जाती है, कौन कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ जो नंबर होता है उसको, उसकी बहुत मायने होते हैं। इस घर में हमेशा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छः नंबर लिखा होगा, आप लोग जानते हो मेरे सारे वीडियोज़ में हम चार्ट साथ में ऐड करते हैं कि इसमें नहीं किया होगा। छः नंबर यानी बुध हो गया, तो ये बुध हैं आपके, ठीक है, आपको पता होगा। तीन नंबर और छः नंबर बुध को दिया गया है, ऐसे चार नंबर और आठ नंबर, सॉरी ये दृष्टि है, तो तीन नंबर राशि और छः नंबर बुध को दिया गया है, ऐसे मंगल को एक नंबर और आठ नंबर दिया गया है राशि, ठीक है। तो तीन नंबर की राशि मिथुन हो जाता है, छः नंबर की राशि कन्या हो जाता है, ये किसको दिया गया है, बुध को दिया गया है। एक नंबर मेष हो जाता है, आठ नंबर वृश्चिक को, देखो आप देखते रहिए, ये सारी चीज़ें आप समझोगे। ऐसे सारी चीज़ों को कैसे बांटा गया ये भी हमने लिखा है, ऊपर से लेके नीचे तक में एक एक करके ऊपर से पहला, नीचे से पहला, फिर ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, ऐसे बांटा गया है चार्ट राशियाँ, वो याद कर लेंगे, बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरी एक वीडियो कहिएगा, हम आप कमेंट करिएगा, हम आप लोग को अपलोड कर देंगे, सिर्फ वो वीडियो देखते ही आप लोग को राशि याद हो जाएंगे सारे के सारे नेचर के साथ, ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल बच्चों जैसे। चलिए तीसरे घर के बारे में आपने समझ लिया, आइए चौथे घर के बारे में आते हैं। चौथा घर में शुक्र लिखा हुआ है, आप ये देखिए शुक्र लिखा हुआ है और शुक्र आके लग्न में बैठा है, ये खुशियों का घर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से कनेक्शन होना ही चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी था। आप किसी एक फ़ीमेल के बहुत करीब रहेंगे, हो सकता है वो माँ भी हो सकता है वो आपकी वाइफ हो, लेकिन किसी एक फ़ीमेल के आप बहुत हमेशा करीब रहेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है फोर्थ हाउस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है, मंगल देख रहा है, शुक्र का ये राशि है, ठीक है, दृष्टि नहीं है लेकिन शुक्र का राशि है, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि इस घर में पड़ रही थी, चलिए उससे कोई बात नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुरु का राहु का दोनों का देखना, प्रॉपर्टी तो आप बना रहे हैं लेकिन आपके प्रॉपर्टी में कोई एक विवादित प्रॉब्लम भी हो जा रही है, मतलब किसी वजह से आपके एक प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप बेच दे रहे हैं, बेच देंगे, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी कि कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसा चीज़ झेलने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे घर भी हो सकता है वो। आइए पांचवे के बारे में बात करते हैं, आठ नंबर लिखा है, मंगल है। अब मंगल क्योंकि देखिए जब कोई प्लेनेट नीच के होते हैं तो उनके जो दो राशि हमने बताई, एक नंबर और आठ नंबर, इसके कौन प्लेनेट हैं, मंगल, तो मंगल का पावर कम हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपको कहा कि आप कोई भी एक रूम को, कि इस रूम में किसी को आने नहीं दीजिएगा, इस रूम में सारा चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप हमें लिख के दीजिए, बच्चों का कोई क्लासरूम है और आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अब उस कमरे में कोई भी आ भी जा सकता है, प्लस बच्चे भी जो मर्जी वो कर सकते हैं, है ना, तबाही मचा सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, आपका एक प्लेनेट अगर कमज़ोर हो जाता है तो उसके जो दो घर होते हैं वहाँ पे से आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम दे रही है, प्यार में प्रॉब्लम, कर्म में प्रॉब्लम, ठीक है। कर्म मतलब कर्म प्रधान बनना है आपको, आप कर्म कम कर रहे हैं तो कर्म प्रधान बनिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्म प्रधान बनी, ये आपके मंगल आपको नहीं करने दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मंगल का उपाय करेंगे हम लोग। कनेक्शन में रहिए, जो भी हो एकदम साफ बताइए हमें, आपके लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारा ओपन है, हम हर तरीके का हेल्प करेंगे आपको, स्टोन से लेके हर चीज़ तक पहनवाएंगे अपने देख रेख में, आप फिर जब कहेंगे आप हटा भी दीजिएगा, कोई चार्जेस नहीं लेते, आप लोग सबको पता ही होगा जो भी है हमारे यूट्यूब पर ही है। तो ये यहाँ से आपको मंगल के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सेम वही क्योंकि पांचवें घर है तो प्यार दिखा, तो हर रिश्ते में प्यार प्लस आपका प्यार प्लस पहला बच्चा, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। आइए छठे घर की बात करेंगे, नौ नंबर लिखा है गुरु बृहस्पति का, जो कि यहाँ देख भी रहे, प्लस शनि भी है और मंगल नीच का भी है, लो ब्लड प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांस दिखा रहा है। यहाँ पे पेट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, पेट पे पेट का भी बहुत ध्यान रखिएगा, पेट की यहाँ दिख रहे। फिर तीसरे दृष्टि में अगर राहु देख लेते हैं तो आपको लीवर किडनी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और श्वसन प्रणाली करते हैं राहु, आँख नाक कान गला मुँह ये देते हैं राहु, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाओं के स्वामी होते हैं।
शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो क्योंकि ये आपके मृत्यु घर के स्वामी हैं, आगे रोग भाव में बैठे हैं और फिर ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करना है। हेल्थ को लेके हमेशा सचेत रहेंगे, कुछ भी हो फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ा के रखें। फिजिकल एक्टिविटी आपका कम दिख रहा है, जैसा हमने बताया कि मंगल नीच के हैं और यही घर फिजिकल एक्टिविटी है, आपके कर्म का घर होता है, यहाँ से आपके इनके प्लैनेट्स जो हैं वीक हो गए हैं, तो उसको बढ़ा के रखिए। शनि का होना कोर्ट कचहरी करवा ही देता है यहाँ से। और अब एज यूजल हमने कहा आपकी प्रॉपर्टी में कोई एक विवाद भी दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे गुरु सूर्य और बुध इनको देख रहे हैं, ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको लास्ट में बताएंगे किसकी किसकी आप पूजा किया करिए डेली। यहाँ से आ जाते हैं सातवें घर के बारे में, ये आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। शनि इसके स्वामी है, मैरिड लाइफ में शनि इनके स्वामी है, तो जब भी जिस भी घर के बारे में आप देखेंगे वहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उस घर के जो स्वामी होंगे, जैसे 10 नंबर और 11 नंबर शनि का होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरे चार्ट देख लेंगे। 10 नंबर अगर शनि का है तो शनि का जो कैरेक्टर है वो इनसे मिलता जुलता रहेगा। अब शनि का कैरेक्टर क्या है, मुंह पे सच बोल देने के, सच के हमेशा साथ रहते हैं शनि, मुंह पे सच बोल देते हैं। मुंह पे सच क्यों बोलते हैं, क्योंकि शनि को रिश्ता चलाने नहीं आता है, इसीलिए उनके उनके पिताजी से भी नहीं बनती थी, तो शनि को रिश्ता चलाने नहीं आता इसीलिए मुंह पे सच बोलते हैं, जो कि बहुत ख़राब आदत होती है। तो यहाँ मुँह पे सच बोल देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि और क्या कोई देख रहा है इस प्लैनेट को, सॉरी इस घर को। तो यहाँ नीच का मंगल देख रहा है, जैसे कि ये आपकी कमी है कि आप छोटी छोटी बात पे झगड़े कर ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि कोई बहुत अभी ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी हम इसको आगे बताएंगे। और शुक्र चंद्रमा के देखने की वजह से ये घर काफ़ी सही है, अभी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। आइए एक बार नौबांस भी देख लेते हैं, तो और आपको क्लियर कर देंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होना बहुत बढ़िया बात हो गई। ये कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि शांत है ना चंद्रमा, शांत है, फीलिंग समझते हैं, तो ये इस मामले में ये काफ़ी बेटर हो जाते हैं। आप किसी को समझेंगे तो जल्दी किसी को आप डांटोगे भी नहीं, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे एक बेटर इंडिकेशन है जो आपके मैरिड लाइफ को अच्छा ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। खुशियों में थोड़ी कमी आपको देखने को यहाँ मिल रही है केतु की वजह से। केतु हमने जैसे बताया कि कमी रिप्रेजेंट करते, बहुत ही बढ़िया सूर्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सूर्य, एक नंबर पे सूर्य यानी उच्च के सूर्य हैं ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो खैर यहाँ से हमने देखा कि आपके सुख का मतलब जहाँ से हैप्पीनेस खुशी आती है, मैरिड लाइफ में खुशियाँ, वहाँ पे केतु बैठ गए हैं, थोड़ी यहाँ पे कमी कर दिया है, लेकिन सूर्य बुध शुक्र और बुध ने देखा, ये अच्छी बात होती है, शुक्र बुध का देखना अच्छी बात होती है। बस केतु कहीं ना कहीं थोड़ी आपको कमी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, खुशियों में। अब बात करते हैं संतुलन की, आप दोनों के बीच में कितना बैलेंस है, ठीक है। ये होता है पार्टनरशिप का घर, तो ये मैरिड लाइफ में हो जाता है आप दोनों के बीच के बैलेंस का। शनि बैठ गए तो कहीं ना कहीं शनि तुलनात्मक दृष्टि में कमियां निकालते हैं, तो यहाँ कमी निकाला जा रहा है एक दूसरे में, ये चीज़ ठीक नहीं होती, इसको सही करेंगे, क्योंकि यही एक जड़ आपके लग्न में भी दिख रहा है। ये दिखा देते हैं, 10 नंबर शनि होते हैं, वहाँ पे भी पार्टनरशिप में हमने दिखाया शनि है, ये कमियाँ निकाल देते हैं, ये खराबी होती है शनि की, हमने बताया ये अपने पिता में भी कमी निकाल देते हैं। आइए आठवें घर के बात करेंगे, यार राहु बैठा हुआ है और इसको मंगल देख रहा है, मंगल देख रहा है और राहु बैठा हुआ है, इसलिए मंगल का आठवीं दृष्टि काफ़ी प्रभावी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको स्पेशली अपने ब्लड से रिलेटेड, जैसे लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को बहुत ध्यान से काम करना है इस चीज़ पे। और मंगल को आप ज़रूर से ही अच्छा करें, अच्छा करने का मतलब पहले तो मंगल का बीज मंत्र आपको कभी भी बंद नहीं करना है, डेली 108 बार पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। जैसे इस घर से क्या देखते हैं हम लोग, लाइफ में आने वाले चेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चेंजेस जो आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, ऐसे चेंज। इसमें नीच का मंगल देखने से थोड़ा दिक्कत कर देंगे, राहु है बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, अभी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपको, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ से, हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमको मंगल को ठीक करना है क्योंकि ये ख़राब रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ से। तो मंगल को ठीक करेंगे, एकदम जान लगा के मंगल को ठीक करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लग्न में बैठ गया है, इसको ठीक करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट घरों के मालिक भी हैं, ये इष्टदेव हैं हनुमान जी आपके, ठीक है। हनुमान जी की पूजा, मंगल बीज मंत्र पढ़ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपका सूर्य देखिए यहाँ बैठा हुआ है, और आपको नौ मास में दिखाया था हमने सूर्य उच्च का है, तो सूर्य उच्च का होने की वजह से ये गवर्नमेंट जॉब देना चाह रहा था आपको,
आइए गवर्नमेंट जॉब लिए हैं कि नहीं। आइए नौवें घर की बात करते हैं। 12वां नंबर यानी गुरु की राशि है, भाग्य के स्वामी जाके विदेश में बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं आपका भाग्य बाहर जाने से ही खुलेगा। आप अपने बर्थ प्लेस पर ना रहें, बर्थ प्लेस से दूर जाएं, एक नदी या एक समुद्र पार करें और आपके भाग्य का उदय होगा। यहाँ से ये चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। भाग्य के स्वामी है, जाके विदेश में बैठ गए हैं। आइए कर्म की बात करते हैं। जैसा हमने बोला, कर्म को थोड़ा आपको बढ़ाना ही होगा। कर्म मंगल है, मंगल डाउन हो गए हैं, शारीरिक ऊर्जा में आपको कमी फील हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए आपको मंगल ठीक करना होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियरली देखने को मिलेंगी। आइए देख लेते हैं। इसके बाद से मम्मी से आपका कनेक्शन अच्छा दिखा रहा है। फिर उसके बाद से आते हैं 11वें घर में, जो कि आय का, इनकम का, लाभ का घर होता है। लाभ के घर के स्वामी आके लग्न में बैठे हैं, ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। हम इस हाफ ऑफ योर कुंडली से फ़ायदा निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हम गुरु शुक्र का फ़ायदा निकालते हुए आय बढ़ा रहे हैं और इसको ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। अपने कर्म को ठीक करेंगे। लेबरस वर्क आपको दिखा रहे हैं, जॉब में लेबरस वर्क दिखा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेहनत वाला काम है, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि बहुत लेबरस काम है ये। यहाँ क्यों? क्योंकि शनि आके बैठ गए यहाँ पे। इसको हम लोग ठीक करेंगे, अभी इसको भी ठीक करेंगे। गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने लगेगी गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि सूर्य प्रधान हो जाता है वो, और सूर्य आपके नौ मास में बहुत अच्छा है। आइए इसके अलावा हम लाभ में बात किया, हम लाभ कैसे निकालेंगे। 12वें घर की बात करते हैं। 12वें घर में देखिए बाहर जाने का योग कितना होता है वो दिखा रहा है। तो बुध अपने ही घर में बैठे आपको घुमा ला सकते हैं, बाहर से घुमा के लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले लिया तो ये बैंकिंग बन जाएंगे, कि बैंकिंग में आपके चांसेस बढ़िया बना दे रहा है। गुरु कंसल्टेंसी के स्वामी हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। लग्न में मंगल शुक्र बैठा है, यानी कंप्यूटर ऑपरेट आप जरूर कर लेंगे। शुक्र और मंगल दोनों साथ में बैठे हैं, डिग्री वाइज भी अच्छी है, तो आप कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हैं। इंटीरियर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, किसी चीज़ को डिज़ाइन करने का काम। यहाँ से दोनों खाने पीने को भी कह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कई चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है यहाँ पे। आप लाइफ में कमाओगे ही कमाओगे, पैसे भी सेव करोगे, सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ करोगे। एक प्रॉब्लम आपको प्रॉपर्टी से होके आने वाली है, जो कोर्ट कचहरी में भी बदल सकता है। बाकी मैरिड लाइफ में आप बढ़िया से हैंडल करके सब बढ़िया लेके जाओगे। थोड़ा दिक्कत है, उसको आप सही कर लोगे। आइए बाबा हमको बता दें कि किसकी किसकी पूजा करनी है। जब आपको हेल्थ इशू हो तो चंद्रमा की पूजा करें, जब जब हेल्थ इशू हो आप चंद्रमा की पूजा करें, शनि की पूजा करें और राहु की पूजा करें। इनकी हेल्थ इशू पे पूजा करनी है, ठीक है, जब जब हेल्थ इशू आए, ठीक है। सबसे बेहतरीन आपके लिए चंद्रमा है, यानी शिव भगवान, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर मंगल यानी हनुमान जी, ये आपके लिए आपके इष्टदेव हैं, जो कि नीच के हो गए, इसीलिए इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इनकी पूजा आप ज़रूर करें। फिर आते हैं गुरुदेव बृहस्पति, ये आपके भाग्य के स्वामी, भाग्यश बोलते हैं इनको, ठीक है। इनकी पूजा करें, ये भी आपके भाग्य को बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरु जो है डिग्री में 00 हो गए, इसलिए इनकी पूजा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आप देखेंगे कमेंट में था कि डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए आप लोग को एक बात बताते हैं, ये पृथ्वी है और ये पहले 30 डिग्री, फिर उसके 30 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे सारे 30 डिग्री के हम लोगों ने ये हाउसेस बनाए हैं, जिसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो आपको ये ऐसा दिख रहा है, जैसा भी ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये कैसे, ये अरेंज करने के बाद है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ये दिखता आपको ओपन, ठीक है। अब ये ओपन दिख रहा है भाई, चलो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। सुबह होती है 30 डिग्री में तो सूर्य यहाँ होता है, फिर सुबह से फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, ऐसे चलते हैं सूर्य, ठीक है। एक्चुअल में क्या, सूर्य तो मूव करते नहीं, मूव हम लोग करते हैं, आपको पता ही होगा सूर्य मूव करता नहीं। तो ये हाउस हमेशा यहीं रहेंगे, हाउस हमेशा यहीं रहेंगे। सूर्य इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इधर से मूव कर जा रहे हैं इधर, ठीक है, इस वजह से। अब बात ये हो रही है डिग्री की, पूछी गई, तो हम कह रहे हैं ये 30 डिग्री का घर है, ये 30 डिग्री का घर है। कोई प्लेनेट अगर यहाँ पर है तो क्या कहेंगे आप, दोनों घर के बीच में है, तो इस घर में और इस घर में कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं बताइए। दोनों ही घर में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे, लेकिन दोनों घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, ये चीज़ है। तो जब भी यहाँ डिग्री लिखी रहती है तो आप समझ जाइए कि इस घर में सूर्य 20 डिग्री चल दिए हैं। अब आपको मालूम होगा 3 नंबर है, 3 नंबर के बाद से कहाँ जाते हैं, 4 नंबर में, एक महीने में। अगर
अगर गोचर की बात पूरे दिन की बात करें तो सुबह यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ सूर्य ऐसे घूमते हैं, नंबर नहीं बदलता है। अगर चार नंबर पे है सूर्य तो चार नंबर के साथ ही दो घंटे बाद यहाँ आ जाएंगे, चार नंबर के साथ ही यहाँ आ जाएंगे, चार नंबर के साथ ही, क्योंकि हमने बोला ना पृथ्वी घूम रही है, पूरी ब्रह्मांड नहीं घूम रहा, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो समझा देंगे। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे कह रहा है कि सुबह जब सूर्य उदय हुआ था, ठीक है, इनकी बात समझिएगा, जब सूर्य उदय हुआ था तो सूर्य यहाँ था, दो घंटे बाद सूर्य यहाँ आ गया, दिख रहा है। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि सूर्य दो घंटे बाद जब यहाँ आया तो इनका जन्म हुआ था। अब दो घंटे में कितना इधर आ गया तो वो यहाँ से लग्न से पता किया जाता है। लग्न कह रहे हैं 30 डिग्री, लग्न मतलब ये, यानी ये घर स्टार्ट कब हुआ था वो लग्न होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 23 डिग्री, 23 डिग्री लग्न है, यानी 23 डिग्री से ये स्टार्ट हुआ है ये लग्न, फिर उसके बाद से इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये सब जो डिग्री होती है वो एक्चुअल में पोजीशन होता है एक घर में किसी भी प्लेनेट का, डिग्री जो होती है एक घर में किसी भी प्लेनेट का होता है। इसके अलावा एक और डिग्री होती है जो 360 डिग्री में काउंट की जाती है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के चक्कर के हिसाब से। उसमें अगर कह दिया कि 273 डिग्री पे है कोई प्लेनेट तो आप यहाँ से जोड़ते चलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट 30 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एक्चुअल में तो ऐसा घूमता ब्रह्मांड ऐसे है, लेकिन क्योंकि हम लोग घूमते हैं इसलिए सूर्य हम लोग को इधर जाते हुए दिखता है, ठीक है। नहीं तो बाकी सब एक्चुअल में इधर ही है, दिख रहा है आपको, ये सारे एक गिनती देखो आप, सारा किस तरफ से जा रहा है ना। तो 30 डिग्री ऐसे होते हैं, इसको ऐसे देखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो नहीं आ रही है कमेंट करिए, हम एक और एनिमेटेड बना देंगे जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन पूछिए वो तो हम बताएंगे। आइए देखते हैं किसी और का चार्ट। प्रिया जी, आपसे तो हमने बात कर ली भी है और आपको बता भी दिया है, बहुत अच्छा लगा। और जी बताइए क्या कह रहे थे। ठीक है, आपके चार्ट को देख के हम आपके भाई के प्रोफेशन को भी बता देंगे किसको लेके जाए वो। और ये क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आपके भी हम कमेंट कर देंगे आपका चार्ट निकाल के देख के, ठीक है। पहले हम आज सारा जो नए लोग हैं उनका चार्ट ओपन कर लें। यहाँ आइए, यहाँ दे रहे हैं रमन जी है, राय सिंह राजस्थान से हैं। चलिए इनको कैरियर के बारे में जाना, आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो रमन जी ये देख लेंगे एक बार, 29 मई 1998 11:15 AM और ये राजस्थान में जन्मे हुए हैं। आइए इनके बारे में देख लिया जाए ये क्या देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो भी पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से अभी परेशान चल रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पिछले चार्ट में बताया, कोई प्लेनेट अगर ख़राब हो तो वो अपने घरों को भी संभाल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी का भी चार्ट मिलते क्या देखते हैं कि कौन ऊंच के हैं और कौन नीच के हैं। तो आइए चेक करते हैं कौन ऊंच के हैं और कौन नीच के हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे शनि नीच के होके बैठे हैं शुक्र के साथ, कर्म घर में बैठ गए, काम वाले घर में। चलिए, उसके अलावा गुरु बहुत अच्छा अपने ही घर में बैठे हैं, भाग्य में आके बैठे हैं, डिग्री बस 00 है, यानी इनकी पूजा आपको करनी होगी। ये अभी 11 से 12 में गए हैं, तुरंत की बात हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए हैं, यानी इनका इन दोनों घर पे प्रभाव रहेगा। इसी वजह से आपको एस्ट्रोलॉजी में, जैसे आप ये प्लेनेट, ये जगह है ना, ये दोनों घर हम लोग देखते हैं। अब गुरु यहाँ पे हैं, समझ जाओ आप बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए दोनों पे प्रभाव दे रहे हैं। तो आपको दिख जा रहा है एक शनि नीच के हैं, गुरु बहुत अच्छी बात है, स्वग्रही हैं। इसके अलावा सूर्य जो होते हैं ना एक नंबर में बहुत अच्छे होते हैं, अब ये दो नंबर में आ गए हैं। और कितना आए हैं, 15 दिन हो गए इनको आए, 13 दिन तिथि से आप देखेंगे तो 13 तिथि निकल गई है आपके बर्थ के टाइम से, यानी 14वें तिथि में आप जन्म आए हैं। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे बुध का कंडीशन भी ठीक है, सुख इसके साथ ही हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सूर्य और मंगल की जब युति बनती है तो किसी में भी, सूर्य और मंगल की जब युति होती है तो इनके में गुस्सा तो होता ही है, जिद बन जाता है, अपनी बात मनवाने लगता है ये। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ हो जाता है। इसके अलावा और कोई प्लेनेट को देख लें,
चलिए, 12वें घर में चंद्रमा, चंद्रमा 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों को कुछ घटनाएं पहले फील होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि ये तो हमें लग ही रहा था कि ये होने वाला है, कई बार ऐसे अनुभव होता है, ठीक है, अनुभव करवा देते हैं ये। एक चीज़ को जो आपको देखना है और इसका उपाय जरूर करवाना है, राहु और केतु ये एक सांप की तरह होते हैं, ये सारे प्लैनेट को बांध लिए, आप इधर देखो एक भी प्लैनेट नहीं है, देखिए ज़रा एक भी प्लैनेट नहीं है, नहीं है ना, यानी आधी आपकी कुंडली है जो अनबैलेंस्ड हो गई है। इस वजह से सबसे पहले तो काल सर्पदोष का उपाय करवाएं, और एक स्ट्रांग जो आपको हम कह रहे हैं करना है वो शनि का उपाय करवाना है। रीज़न बता रहे हैं, शनि का उपाय करवाना इसलिए भी ज़रूरी होता है और काल सर्पदोष, क्योंकि काल सर्पदोष आपको किसी चीज़ में जल्दी आगे बढ़ने नहीं देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाएगा लाइफ में। उसके अलावा शनि नीच के होने की स्थिति में बहुत जल्दी दुखी कर देता है ये, कोई आपको एक बात बोलेगा तो 10 बात की तरह लगेगा आपको, अंदर से दुखी हो जाए, गुस्सा की बात नहीं कर रहे, ये दुखी करता है, ठीक है। यहाँ आपका गुस्सा तो हाई दिखा रहा है लेकिन ये दुखी करेगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए ये ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर ठीक करें और इसका उपाय करवाएं। ये पूजा पाठ से होता है, शनि का निष्ठा को कम करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, बीज मंत्र का जाप करिए, शनि बीज मंत्र आपको कभी भी अब बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे, अच्छे से इनका बीज मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनका जितना हो सके पूजा पाठ करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जब शनि नीच के होते हैं, ये हम सबके लिए बता रहे हैं, कोई शनि नीच के हो अगर किसी के भी चार्ट में, तो उनके दोनों राशि को ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 नंबर और 11 नंबर, अगर 10 नंबर और 11 नंबर जहाँ भी होगा आपके किसी भी भाव में हो सकता है, जैसे 10 11 यहाँ भी लिखा हो सकता है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखा हो सकता है, क्योंकि दोनों 10 है तो 11 एक पास में ही होगा, है ना, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है ना, ये क्योंकि राशि है, घूम तो कहीं सकते हैं। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अपने 10 और 11 नंबर किस घर में लिखा है, इसको घर बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, उसका गूगल करके आप लिख के भी निकाल सकते हैं कि इस घर से क्या क्या देखा जाता है, ठीक है। आसान तरीके से हम बता रहे हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाउस के बारे में निकालेंगे, आप कौन सा देखना है आपको, सेवेंथ हाउस और एयर्थ हाउस, तो सेवेंथ और एयर्थ हाउस से आपको नुकसान मिल रहा है, ठीक है। सेवेंथ और एयर्थ हाउस क्या कह रहे हैं, अब आपको एक ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि ये जो है ना घर, कोई बीमारी लंबा रुक जाए, कष्ट ज़्यादा देने लगे तो वो इस घर से देखते हैं, नहीं तो बीमारी को इस घर से देखते हैं, ठीक है। तो आपका एक केतु ऑपरेशन भी रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ से आपको दिख रहा प्रॉब्लम, फिर ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ओके, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि क्या इसको कोई और प्लेनेट परेशान कर रहा है इस घर को, तो आइए दृष्टि देख लेते हैं किसी और प्लेनेट का। चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी की दृष्टि नहीं है। देखिए फर्स्ट हाउस जो कि आपका लगन होता है, एक मिनट आपका 9 मास देख लें, क्योंकि मैरिड लाइफ की बात हो गई है, तो लगन में मंगल आ गया है, ये झगड़े के गुस्से के कारक होते हैं, गुस्से का, झगड़े का नहीं, तो गुस्सा दिख रहा है यहाँ पे आपके में, या मैरिड लाइफ में कह लो एक तरीके से, क्योंकि पूरा मैरिड लाइफ दिखा रहा है, आपके बारे में नहीं है ये, मैरिड लाइफ के बारे में है। चलिए, खुशियों में चंद्रमा हो जाना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ये काफ़ी चीज़ बचा देगा आपका। उच्च का गुरु बैठा है, बहुत अच्छी बात है, उच्च का गुरु भी बैठा है, अगेन सूर्य जो है 2 नंबर पे हैं, ये वर्गोत्तरी कहलाएंगे फिर इस तरीके से, क्योंकि जो 9 मास में है वैसे ही लगन में हो तो उनको पावर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे, बहुत अच्छा गुरु मिल गया आपको। अब ये देखेंगे पार्टनरशिप का, आप दोनों में पार्टनरशिप, मतलब आप में और आपकी वाइफ में कैसा, कितना बैलेंस दिखेगा, कितना पार्टनरशिप दिखेगी दोनों में। तो यहाँ 6 नंबर बुध की राशि है, और इसको कोई देख तो नहीं रहा, देखिए तो ज़रा केतु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कमी दिखा रहे हैं यहाँ पे केतु, कमी निकाला जा रहा है, हालांकि खुशियाँ हैं और थोड़ा गुस्सा यहाँ दिख रहा है, तो इस पे कंट्रोल करेंगे मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन एक चेक करते हैं, चलिए
तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो फर्स्ट हाउस है वहाँ चार नंबर लिखा है, जिसके स्वामी कौन है, चंद्रमा। अब ये जा रहे हैं बाहर, बाहर जाके बैठ गए तीन नंबर की राशि में, तो ये कह रहे हैं कि ये बर्थ प्लेस पे नहीं रुकेंगे, ये बाहर जाएंगे, एब्रॉड भी ले जाने की ये पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट नहीं है, जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है ये जाने के चांसेस बना रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं आपका जॉब या बिजनेस क्या ज़्यादा बेटर चल रहा है। तो चार नंबर है चंद्रमा का, ये हो गया मंगल का और ये हो गया गुरु का। तो चंद्रमा से मंगल का भी बनता है और गुरु का भी बनता है, लेकिन बिजनेस में शनि नीच के होके बैठ गए हैं, तो ये लॉस करवा देंगे बिजनेस में, प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे, बहुत एक्सट्रीम मेहनत करवाएंगे, है ना। तो आप किस में जाएंगे, जॉब में, क्योंकि जॉब के घर के स्वामी भी जाके भाग्य में बैठ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपको अच्छा साथ देंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे आपकी लाइफ में, समझ में आया। तो यहाँ से बिजनेस और जॉब में आप जान गए क्या करना है, है ना। चलिए इसके अलावा आपका क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। आपने कहा है करियर, मैरिज एंड वेल्थ, चलिए आपने वही पूछा भी है। आइए बात कर देते हैं करियर के बारे में, बता ही दिया है करियर में, चलो एक बार और बता देते हैं। देखिए सबसे प्लेनेट कौन से प्लेनेट आपके ख़राब है उसको देखा जाता है, क्योंकि ये अब आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, है ना। अब इनका जब तक आप बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, इनको शांत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा आपको, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो उसको करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में चार नंबर यानी चंद्रमा का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आप थोड़े सोशली हैं, सोशल कह सकते हो, जैसे कि फिल्म को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाला, है ना, किसी चीज़ पे डीप में जाने वाला, रिसर्च की तरह। ये सारी चीज़ें खूबियाँ कौन देता है, चंद्रमा देता है। चंद्रमा की राशि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग समझदार होते हैं एक तरीके से कह सकते हो, गुस्सा ना करके पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मंगल और सूर्य एक साथ होने से जिद तो बना रहा है आपका, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन होता है लग्न में बैठने के लिए, बहुत अच्छे साइन है। और चंद्रमा क्योंकि आपके जॉब घर को भी देख रहा है और गुरु आपके भाग्येश हैं, तो कहीं ना कहीं आप इससे इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरीके की रिसर्च में जा सकते हो, है ना। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को, साइकोलॉजी को, रिसर्च को, आर्ट एंड आर्टिस्ट जैसे कि डायरेक्शन, फिल्म इंडस्ट्री को, ये सबको कौन रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख रहा है, आप किसी रिसर्च में जा सकते हैं। पढ़ाई की बात करते हैं तो शुरुआती स्टेज में दिखा रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत आया था, फिर उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ सूर्य मंगल दोनों ने देख लिया, तो ये अच्छी बात है, सूर्य का देख लेना, फिर आप पढ़ाई में बेटर हो गए हैं। अब यहाँ मास्टर्स की बात करेंगे तो गुरु हेल्प करेंगे, लेकिन क्योंकि डिग्री कम है तो ये थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं गुरु, तो इनकी डिग्री को ठीक किया जाएगा। कैसे ठीक किया जाता है, इनकी पूजा पाठ से। हालांकि आइए एक और चीज़ बता दें आपके लिए, चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं और गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप क्या करेंगे, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा करें, या आपकी हेल्थ के लिए और ओवरऑल पूरी चार्ट को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप काल सर्प दोष का जब तक पूजा नहीं करवाते, तब तक चंद्रमा का तो बहुत ज़्यादा पूजा करिए, ठीक है। इसके अलावा बता देते हैं मंगल के बारे में, तो मंगल कौन हो, आपके इष्ट देव हो गए हैं मंगल, मंगल यानी हनुमान जी इष्ट देव हो गए। कुछ मांगना हो तो उनसे मांगिए, वो आपकी और तेज़ हेल्प करेंगे जल्दी। आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, मंगलवार को और शनिवार को सात सात बार पढ़ लीजिए, ये क्या करेगा, आपके नीच शनि को भी बेटर करेगा, है ना, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए इष्ट देव हैं ये, खुशी मतलब प्यार के घर के स्वामी जाके कहाँ बैठ गए हैं, इनकम में, यानी आप इनकम भी करोगे, पैसे भी कमाओगे, ठीक है। आइए भाग्येश कहते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य मतलब आपकी कुंडली को आगे लेके जाते हैं और गुरु पिछले जन्म के पुण्य को दिखाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके भाग्य में गुरु आके बैठ गए हैं, ये बहुत अच्छा संकेत होता है, ठीक है। यहाँ से आप मास्टर्स का ट्राई करिए, आप मास्टर्स भी करेंगे। ओवरऑल ये चार्ट एक अच्छा चार्ट है, बस शनि को आपको सही करना है, बाकी आप पैसा भी कमा रहे हो, थोड़े खर्चीले हो लेकिन पैसा बचाओगे, ठीक है, क्योंकि सूर्य आके यहाँ बैठा हुआ है, थोड़े खर्चीले हैं लेकिन आप पैसा भी बचा ले जाएंगे। ओवरऑल भाग्य का बहुत अच्छा साथ है। कर्म की बात करें तो शुक्र और शनि थोड़ा कर्म प्रधान नहीं बनने दे रहे हैं आपको, जब शनि का उपाय कर लेंगे तो आप कर्म प्रधान भी हो जाएंगे, कर्म नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आलस का त्याग करना है आपको, आलस है आपके में, ठीक है, आप जितना काम करते हो उससे ज़्यादा की उम्मीद करते हो,
इस चीज़ को आप थोड़ा सा और बढ़ाइए, मेहनत कम है आपकी लाइफ में, मतलब आप कम कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं किस और का चार्ट, यहाँ कौन है, ये साक्षी जी हैं, चलिए गोरखपुर से ही हैं, बहुत अच्छी बात है, गोरखपुर जाना आना रहता है हमारा। आइए गोरखपुर में से स्वागत है, आइए, बहुत अच्छा सिटी है, विजिट करना चाहिए लोगों को, आइए बनाते हैं इसको। तो ये साक्षी जी का चार्ट है, इसको देखें एक बार आप, सारा डिटेल सही है, आइए इनके चार्ट को देखा जाए। तो ये साक्षी जी का चार्ट है, तो अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे ज़रा चीज़ों को, और समझिएगा, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग को देखना है। यहाँ आ गए आपके केतु और यहाँ आ गए राहु, अब सूर्य के साथ है, तो इनको पितृदोष लग रहा, इसका उपाय ज़रूर करवाएं। पितृदोष और काल सर्प दोष, ये पूजा से जाता है, पूजा करवाना होगा। इसके अलावा फिर से देखेंगे, यहाँ पे एक साइड में कोई प्लैनेट नहीं है, यानी काल सर्प दोष लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को काल सर्प दोष, सर्प बोलते हैं, काल सर्प दोष और पितृदोष, इन दोनों का उपाय करवाना है, ये पूजा पाठ से होता है, इसको करवा लीजिए, ये छोड़िएगा नहीं, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके नौ मास में भी और लग्न में दोनों में भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, आपको हमने अभी बताया, ये दिख रहा है ना, जो ये वर्गोत्तम कहलाता है, वर्गोत्तम का मतलब होता है कि लग्न में और नौ मास में दोनों में इनकी पोजिशन यही है, इस वर्ग में ये उत्तम है, इसलिए बोला जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ आपने देखा कि आपको काल सर्प दोष लगा है, इससे क्या होता है, बनते काम रुक जाते हैं। अब पितृ दोष लगा हुआ है तो मेल्स में, घर में मेल बच्चों की इनसे जनरेशन के बढ़ने की कमी होने लगती है, जनरेशन आगे नहीं बढ़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, तो लग्न के स्वामी आके बैठ गए हैं रोग भाव में, तबीयत खराब रहती होगी, स्पेशली पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ठीक है। पथरी को भी देखें समझदारी से। अब देखते हैं फर्स्ट हाउस को कौन कौन देख रहा है, फर्स्ट हाउस को कौन कौन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं वर्गोत्तम होके, यानी आपके लग्न में नौ मास में भी यही है। इसके अलावा इनको कौन देख रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मंगल और बुध देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके में बचपना भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, और अच्छी बात है कि आप धार्मिक भी हैं। नौ नंबर यानी गुरु, यही आपको हर चीज़ में बचाएंगे, ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छे प्लेनेट है, ये आपको हर चीज़ में बचाते हैं। इनका पूजा पाठ आपको करना ही करना है, ज़रूर से बृहस्पतिवार का फास्ट लें और भगवान बृहस्पति का दमन से पूजा करें, यानी विष्णु भगवान का, ये बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे। सेकेंड हाउस में केतु बैठा है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी भाव में कुछ कमी दिख रही है, आपको बात प्यार से करना सीखना होगा, क्योंकि इससे रिश्ते आपके ख़राब हो रहे हैं, केतु बैठा है रिश्ते ख़राब कर रहा है। शुक्र का यहाँ देखना अच्छा होता है, कहीं ना कहीं सिर्फ शुक्र ही है जिसकी वजह से आपकी वाणी जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करेगी फर्स्ट टाइम में, लेकिन क्योंकि यहाँ सूर्य और राहु दोनों भी हैं, जो कि केतु को यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो लोगों की बातों को काटना और थोड़ा सा स्ट्रांगली अपनी बात को रखना, ये कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करना होगा। हालांकि आप हैं तो बहुत सॉफ्ट इन द सेंस, कैसे बोला हमने, इस घर में शुक्र का देखना आवाज़ अच्छा कर देता है, या तो गाने में अच्छे हो जाते हैं लोग, ठीक है, या तो आवाज़ अट्रैक्टिव बना देता है, किसी तरीके की एक डिफरेंस दे देता है आपकी पर्सनालिटी से और आपकी आवाज़ में, एक डिफरेंस जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो हमने बोला कि आप बहुत फीलिंगफुल हैं या इमोशनल हैं, वो क्यों बोला कि आपके सौरे वाले घर में चंद्रमा बैठ गया है, तो आप डर बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, आप डर बहुत जल्दी जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको आपको ठीक करना होगा, क्योंकि ये नहीं तो आपको बहुत सारे काम करने नहीं देगा। हाँ, अटैम्प्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि डर जाते हैं ऐसे केस में लोग। चलिए ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यही एक रीज़न होगा कि आपके घर में भी कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा। देखिए मंगल की भी दृष्टि है वहाँ पे,
ठीक है, जो गुस्सा के कारक है। राहु तो है ही, खैर वहाँ पे केतु है इस वजह से उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ईगो, ये सारी चीज़ें देते हैं। सूर्य खराब हो जाए तो ईगो बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपनी बात अब बहुत गुस्से में भी कह देते हैं, और राहु की वजह से, केतु की वजह से दिखा रहा है कि आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ को सही करिएगा, ठीक है। अब केतु के होने से वहाँ एक और प्रॉब्लम होती है, आपके पैसे जो होंगे, आपके बैंक बैलेंस जो होते हैं, उससे आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपके पास कितना पैसा है आपके अकाउंट में, उससे आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। हालांकि आप पैसे कमाएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है, पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जॉब में आके सुख गुरु और शनि दोनों बैठा, आपके घर में कोई ना कोई या तो लॉ में है, ठीक है, या आप लॉ की पढ़ाई करेंगे, और भले करें ना करें, ठीक है, लॉ से कोई कनेक्शन बन रहा है। लॉ इन द सेंस एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, जैसे पुलिस वर्ग से कनेक्शन हो जाए, जो पुलिस को दिखाए, बात कराए, चलाए। फिर आपके घर में कोई एडवोकेट हो जाए, या आपका कोई एडवोकेट वाली पढ़ाई हो जाए, ये शनि और गुरु जब साथ होते हैं तो ये देखने को मिल जाएगी आपको। और ये जॉब वाले घर में बैठा है, तो अगर आप लॉ भी कर रहे हैं तो भी आप अच्छा करेंगे। बता दिया हमने चंद्रमा के बारे में, आइए आगे देखते हैं। क्या जरा हमें ये बता देंगे आप लोग कितने भाई बहन हैं, ठीक है, दो भाई बहन हैं क्या, दो स्पेशली बहन तो दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा है, जो कि गुरु का है। दोनों घर ये गुरु का है आपको दिख रहा है, और गुरु आके थोड़ा से रोग भाव में बैठ गए हैं। हालांकि इस घर में इनका होना बहुत अच्छा होता है, दोनों एक धार्मिक कर देते हैं, एक ये खुशियों का घर है। इस घर को कोई नुकसान तो नहीं कर रहा, इसको चेक करते हैं तो इनको राहु देख रहे हैं, है ना, इनको राहु देख रहे हैं। इसके अलावा क्या इसको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, ठीक है। तो राहु का देखना खुशियों में थोड़ी कमी कर देते हैं, आपके मम्मी से आपका कनेक्शन भी थोड़ा कमज़ोर कर देंगे। और क्योंकि ये गुरु है इसलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी मम्मी भी अच्छी दिख रही हैं यहाँ से, लेकिन राहु की वजह से आपका भाषा आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मम्मी से आपका कनेक्शन ख़राब कर रहे हैं बाबू, ठीक है। आप कुछ भी हो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी बात हो बता सकते हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं और चीज़ों को हम लोग बेहतर कर सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। पांचवें घर की बात करें तो एक नंबर लिखा है, जो मंगल की राशि है, ठीक है, और ये आके आपके हस्बैंड वाले घर में बैठ गए हैं, ठीक है। गुरु, मंगल और यहाँ बुध, तो मंगल बुध एक साथ आ गए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और आके हस्बैंड वाले घर में बैठ गए हैं। गुरु की बात करें तो गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैरिड लाइफ, सॉरी लव लाइफ के चांसेस यहाँ बना दे रहा है। एक आपके लाइफ में मैरिड लाइफ जो होगी आपकी, वो लव मैरिज होने के चांसेस यहाँ बना रहा है। ओके, आइए खुशियों को बता ही दिया हमने, अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। प्रॉपर्टी में गुरु का होना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम भाव यानी प्यार का घर होता है यहाँ पे, वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 2, 4, 1, 5, हाँ। अब आते हैं इस घर पे, ये होता है रोग का घर। रोग का घर आपका कुछ ज़्यादा एक्टिव है, शनि भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, लेबरस वर्क भी होगा आपका, काम में मेहनत भी होगा आपका, ठीक है। लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिए, हेल्थ की देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको हेल्थ पे, क्योंकि इसको केतु भी देख रहे हैं, शनि भी हैं, गुरु भी हैं, पेट उट में दिक्कत है, एक ऑपरेशन आपको दिखा रहा हो सकता है, छोटा ऑपरेशन हो सकता है लेकिन होगा। मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो बुध बैठे हुए हैं, जो भी होगा आपके मैरिड लाइफ में उसके में मैच्योरिटी की थोड़ी कमी दिखेगी, लेकिन ओवरऑल और लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आपको दिखेगा, और अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। इसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि ये कितना अच्छा है, आइए देख लेते हैं, नौ मास में देख लेते हैं। आपको पता होगा नौ मास में हम लोग बेसिकली तीन घरों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। पहला, इसके सही या ख़राब होने से पूरी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक नंबर लिखा है जो कि मंगल की राशि है, अब देखते हैं जरा इसको कौन देख रहा है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है, शनि की तीसरी दृष्टि होने से क्या होता है, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आप छुपाओगे, बताओगे नहीं, या ऐसी चीज़ होगी जो आपको पूरी ज़िंदगी लगेगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए था।
बात करेंगे फिर खुशी वाले घर में, यहाँ पर राहु और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, जैसे हमने बताया पितर दोष आपको लगा हुआ है और खुशियों वाले घर में बैठ गया है, जो कि एक दिक्कत है। यहाँ ये दोनों लोग का होना दिक्कत है। और यहाँ पे फिर आएंगे सप्तम भाव में सात नंबर, यानी शुक्र का होता है, शुक्र अच्छे होते हैं पार्टनरशिप के मामले में, शुक्र अच्छे होते हैं। आपका बुध खराब हो गया, अभी इसको भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इसको कोई और देख रहा है कि नहीं, नहीं देख रहा, चलिए ये बेटर है। पार्टनरशिप में शुक्र का होना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा। आप मांगलिक हैं ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, आप आंशिक मांगलिक हैं, बुध के साथ बैठा हुआ है और बुध आपका नौमास में ख़राब हो गया है। तो नौमास में ख़राब है, हालांकि बुध की खुद की राशि है, सोच समझ के काम करेंगे आप, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है लव मैरिज को थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, सात तीन दस, ये शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि क्यों देखा हमने, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी आपके शनि की दृष्टि आ रही थी आपके फर्स्ट हाउस में, तो इसीलिए हम चेक करें कि ये क्या आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। तो बाहर वाले घर में यहाँ इफेक्ट आपको डालते हुए दिख जा रहे हैं, यानी मोबाइल इंटरनेट सेक्स लाइफ और विदेश, इन सब पर ये बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं। साथ में अब यहाँ देखेंगे तो लोअर बॉडी पर इफेक्ट डाल रहे हैं, इन्फेक्शन होने के थोड़े चांस हैं आपके। और ये हो जाता है आपका जो आपके वीरता कहलाती है उस पर, तो चंद्रमा बैठा है वीरता में भी आपके ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, यानी हम आपको बता दें किसकी किसकी आपको पूजा भी करनी है, वो भी अभी लास्ट में बता देंगे। अब यहाँ बात कर लेंगे सूर्य का, सूर्य जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य बैठे कहाँ पर हैं, कष्ट में बैठे हुए हैं, जो कि पितर दोष भी लगा हुआ है। चलिए इनको ठीक करवाइए, ये ज़्यादा जरूरी है, तो आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलने लगेगा। आप देख लेते जरा इस जगह पे कोई और देख रहा है क्या, इस प्लेनेट को, इस घर को कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहे। चलिए लग्न में या सॉरी भाग्य में सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है, तो सूर्य की राशि है ये बहुत अच्छी बात है। बस सूर्य को पीड़ा हो गई है, उसको ठीक करवा लेंगे, ओवरऑल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आते हैं, ये बुध की राशि है, दसवां नंबर का घर है, जिसको कर्म बोलते हैं, है ना, कर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन देख रहा है, तो यहाँ पे गुरु देख रहे हैं, साथ में मंगल देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं मंगल देख रहे हैं, दोनों का देखना यहाँ पे अच्छा है, कर्म प्रधान बना देता है। यहाँ पे आपको केतु भी देखते मिलेंगे, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, गुरु का मंगल का देखना बहुत अच्छा था, केतु के देखते ही अब ये कह रहा है कि आपका जो भी कर्म है, मान लो आप ऐसे कर्म है, दस नंबर का कर्म है, ठीक है, मान लो टोटल नंबर में हम दस में काउंट करें कि आप दस में कितना कर्म करते हैं, तो भले ही आप सेवन कर्म कर रहे हो, कर्म इन द सेंस मेहनत, आप बहुत कर्मशील हैं, मेहनत है, जैसे कहते हैं ना आप आलसी हो कि नहीं हो ये कैसे पता करेंगे, तो यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे आपको साथ मिल जा रहा, कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह जा रही है, किस वजह से दिखा रहा है वो, केतु की दृष्टि से, केतु जहाँ दिखाते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पे कमी है, लेकिन ओवरऑल अच्छा कहेंगे, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही देख रहे हैं, मेहनत करें आप, मेहनत से अच्छा रिस्पॉन्स आप ले लेंगे। इस घर का एक्टिव होना बड़े बड़े राजयोग दे देता है। आइए ग्यारहवें घर में आते हैं, जो कि शुक्र का घर है, आपको पता भी होगा, इसको ग्यारहवा हाउस बोलते हैं, और सातवें नंबर की राशि बैठी है, और ये आके बैठे हुए हैं कहाँ, आपके सडन चेंज वाले घर में। यहाँ से लाइफ में कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो भी चेंज होता है यहाँ से आता है, तो ये चेंज वाले हाउस में आके बैठे हुए हैं। अब इसको देख लेंगे ज़रा कि इसको देख कौन कौन रहा है, कोई देख रहे हैं, एक दो तीन चार, नहीं नहीं नहीं, केवल कोई नहीं देख रहा है, यानी शुक्र तो है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपकी इनकम भी दिख रहा है कि हाँ भाई इनकम रहेगा आपका, इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, अच्छा कमाएंगे आप, जॉब भी दिखा रहा, इनकम भी दिखा रहा, और यहाँ आपके रखने वाले सेविंग वाला दिखा रहा, बस जो इनकम के स्वामी है वो आके थोड़ा सा पीड़ित हो गए, सूर्य के साथ या राहु के साथ बैठ गए, एक दिक्कत दिखा रहा। फिर उसके बाद से सेविंग में केतु होने की वजह से पैसा स्टोर, मतलब कितना सेव कर पा रहे हैं उसमें केतु होने की वजह से आपको कमी फील हो रही है। जॉब में शनि और गुरु दोनों हैं, शनि लेबरस वर्क करवा देते हैं, और गुरु के साथ शनि हो तो लॉ में भी लेके जाते हैं, तो लॉ में भी जा सकते हैं आप, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा काम कर लेंगे आप।
ओवरऑल सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें, आपको गुरु की हमेशा पूजा करनी है, मंगल की करनी है और सूर्य की करनी है। इन तीनों की पूजा पाठ आप हमेशा करें, आपकी कुंडली से अच्छे प्रभाव आते रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके प्लैनेट्स में कोई गुरु, जैसे कोई नीच का हो या कोई ऊंच का हो, तो उनका भी पूजा पाठ करना चाहिए सही करने के लिए। तो किस्मत से बहुत अच्छी बात है कि आपके में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक क्या हुआ है, आपके सूर्य और काल सर्प दोष, इसको दिक्कत आई दिख रही है, तो इसकी एक पूजा करवा लीजिएगा। बाकी सब बहुत बेहतर है और आप लाइफ में अच्छा करेंगे भी। बस आपको क्या क्या ध्यान देना है, इन तीनों प्लैनेटों का, 9 नंबर यानी गुरु बृहस्पति, 1 नंबर यानी मंगल यानी हनुमान जी, 5 नंबर यानी सूर्यदेव यानी राम जी, इनका सबका आप लोग पूजा पाठ करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ आगे भी अच्छी रहेगी। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह अवेलेबल है, फेसबुक पे हर जगह अवेलेबल है, जहां आप कंफर्टेबल पहुंचे समझे हमें बात करें और हमसे अपने क्वेश्चन को शेयर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट किसका देख लिया जाए, अर्नब जी का। चलिए अर्नब जी का चार्ट बनाते हैं और इनके भी सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम। तो ये अर्नब जी हैं 2 अगस्त 2011 6 बजे शाम में कुरुक्षेत्र में। अब यहाँ देख लेते हैं, ये भी वही लिखे हैं क्या, 2 अगस्त 2011 6 बजे शाम में PM यानी शाम में, और यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा। इन्होंने का क्वेश्चन भी बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी लिख दिया इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि करियर कौन सा सूट करेगा और स्पोर्ट्स में जा सकते हैं कि नहीं, और दूसरा कि इनका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है। देखिए स्पोर्ट्स में भी आपको हेल्प करेंगे मंगल ही, क्योंकि बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है उसके लिए। आइए आपका चेक करते हैं, आइए। तो ठीक है, आप मांगलिक हैं, बहुत अच्छी बात हो गई, स्पोर्ट्स में आपको एक्टिव कर देगा ये। आप मांगलिक हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैरिड लाइफ में स्पेशली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये जो एंगल होते हैं इसमें मंगल होने से मांगलिक हो जाते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है आपको मंगल प्रभाव दिख रहा है, आप मांगलिक हैं। इसके अलावा आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट आपने पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीच और उच्च के प्लैनेट को छांट लेते हैं कि आपके प्लैनेट कौन से नीच के हैं कौन से उच्च के हैं। उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती, जैसे देख लीजिए आपके चार्ट में कोई उच्च के प्लैनेट नहीं दिख रहे, कोई नीच के प्लैनेट नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, केवल राहु 8 नंबर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, बट ये सो के चलेगा। तो कोई किसी भी प्रकार के नशा से बहुत बचना है आपको, घर से बाहर जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, विदेश जाने का घूमने का भी आपके चांस दिख रहा है। आइए अब देखते हैं आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को जो कि आपने पूछा है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि ये तीनों प्लैनेट हमेशा सबके लिए सही होता है। जिस किसी का भी चार्ट लें, फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, फिफ्थ हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, इसकी हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी गुरु बृहस्पति, ठीक है, गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वही आके आपके पंचम में भी बैठ गए हैं, और यहाँ से देखेंगे तो ये मंगल है, मंगल है जो कि आके सप्तम में बैठ गए हैं। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे कनेक्शन बनाते दिखा रहे हैं, मैरिड लाइफ का लव मैरिज में चांसेस बनाते हुए दिखा रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपके 9वें घर में, 9वें घर में 5 नंबर लिखा है सूर्यदेव, सूर्यदेव भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सूर्यदेव आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कर्म के स्वामी आके भाग्य में बैठ गए हैं, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। और थोड़ा दिक्कत क्या हो गया, सडन चेंज वाले, चलिए इसको भी बेटर तरीके से हम लोग देखेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छे कौन हो गए, गुरु, ठीक है। सेकंड नंबर पे सबसे अच्छे कौन हो गए, सूर्य, और आप मांगलिक हैं इसलिए आप पे मंगल प्रभावी हो गया, ठीक है, यहाँ से क्लियर सी बात है, आप समझ गए। आइए अब आप बात करते हैं आपके जॉब और बिजनेस के बारे में, कौन सा ज़्यादा चलेगा। तो ये है गुरु की राशि, ये है शुक्र की राशि और ये है बुध की राशि, तो इनसे तो इतनी इनकी नहीं बनती, इससे बनती है। तो यहाँ से आएंगे आप बिजनेस पर्सन हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि आप जॉब नहीं करेंगे, सेवा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ केतु है, वहाँ बहुत तड़प दिखा रहा, कोई प्रॉब्लम कोई कमी दिखा रहा, तो आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, शनि से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करें आपका बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, हर प्लैनेट हर अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे शनि वहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि और बुध ये दोनों लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे बिजनेस में।
आपके लिए कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे, उसको भी बता देते हैं। तो देखिए, जो प्लैनेट यहाँ लिखे रहते हैं, एक इजी तरीका बताते रहे, ये ऐसे कर लिया जाता है चार्ट को। अब इसमें जो जो नंबर लिखे हैं वो आपके लिए अच्छे हो गए, बाकी जितने हुए वो ख़राब हो गए। जैसे यहाँ शनि के दोनों नंबर बाहर है, शनि आपके लिए ठीक नहीं है। शुक्र यहाँ बाहर है, शुक्र के दोनों नंबर बाहर है, शुक्र आपके लिए ठीक नहीं हुए, है ना। फिर यहाँ से आगे चंद्रमा, चंद्रमा को भी आपको ठीक करना होगा क्योंकि आपके चंद्रमा ठीक नहीं है, ठीक है। मंगल की एक राशि तो यहाँ है, मंगल की दूसरी राशि यहाँ है, अंदर हो गई है इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये आपके लिए ठीक हो गया। बुध की एक राशि तो यहाँ है लेकिन दूसरी राशि अंदर हो गई है तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी आपके लिए कौन ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है और चंद्रमा को ठीक करना होगा, चंद्रमा ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट बेहतरीन है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, स्पोर्ट्स में आपका हेल्प कर देगा। शुक्र कहाँ गया, शुक्र का और अच्छा होने से थोड़े लेबल अच्छे हो जाते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन तो हैं क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी है, आपका लेबल अच्छा करेगा कौन, शुक्र। शुक्र जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आना चालू हो जाता है। ओवरऑल ठीक है, बढ़िया जा रहा, आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन करियर बनेगा आपका बिजनेस में, ठीक है। यहाँ से देख लिया आपने, आपका और क्वेश्चन क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमने बता दिया करियर बिजनेस बनेगा आपका, बिजनेस ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट पर्सन तो हैं लेकिन करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें कोई बड़ा जगह जाने का नहीं दिख रहा क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, दोनों आपको अच्छी पदवी अच्छा चीज़ दिला देता है, या तो फिर राहु ही आ जाए, है ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, अच्छे कौन हैं, बुरे कौन हैं, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपके यानी कि हमने आपके चार्ट को पूरा ही बता दिया है, सब कुछ आपके में समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा चार्ट है, आगे आपके भविष्य अच्छे रहें इसके मनोकामना है, जो आपका पूर्ण हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, किसी और का चार्ट देखते हैं। तो अर्णव जी के बाद किसी और का चार्ट देखते हैं, ये राशि जी का आ गया। राशि जी, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लें राशि जी, ठीक है। चलिए मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कब होगा ये तो हम अभी बहुत नहीं बताएंगे, बट हाँ काफ़ी बता देंगे, कोशिश करते हैं मैक्सिमम चीज़ें मैरिड लाइफ के बारे में बता दें। चलिए इनका चार्ट बनाया जाए, ये राशि जी का चार्ट है। चलिए राशि जी का चार्ट देख लेते हैं, 29 अप्रैल 1988 है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ 29 अप्रैल 1988 है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। चलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन ही पूछा है वो मैरिड लाइफ के बारे में है, सप्तम भाव से इनका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं इनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। बहुत अच्छा सूर्य है इनका, बहुत अच्छा सूर्य है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई चाहता है, ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन मिला है यहाँ पर। लव मैरिज के इनके चांसेस दिखा रहे हैं और एक अच्छा इंसान आएगा इनके लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेट करता हुआ हो सकता है, एज में गैप हो सकती है, कास्ट में अंतर हो सकता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। शनि क्योंकि लग्न में आके बैठ गए हैं तो कुछ ख़राब भी करवा देते हैं ये, तो इससे थोड़ा बच के रहेंगे, ऐसे किसी पर्सन को नहीं टच करेंगे ना इन्वॉल्व करेंगे लाइफ में जो आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो ख़राब ना हो, ख़राब इन द सेंस पर्सन ख़राब नहीं, कास्ट में रिलीजन में ऐसा कुछ अंतर ना करने दें क्योंकि शनि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, शनि के बुरे प्रभाव ऐसे ही देखे जाते हैं और आपके लिए शनि अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा और अवॉइड करिएगा इनको। चलिए इसके अलावा बहुत ही अच्छा सूर्य है, गुरु के साथ है, आपको गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करिए, अभी टाइम भी आप गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे, गवर्नमेंट जॉब पाते ही आपके मैरिड लाइफ में भी और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, उच्च का मंगल बैठा है, उच्च का स्वरूप सूर्य बैठा हुआ है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। शुक्र अपने घर में बैठा है, जॉब वाले घर में, बहुत अच्छा चार्ट है। आप मैरिड लाइफ के बारे में ना ज़्यादा ध्यान दें, अपने कैरियर के बारे में ध्यान दें और आप क्योंकि बहुत अच्छा करियर पाओगे, आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, मेहनत करिए। डिफेंस में आपके अच्छे चांस दिख रहे हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं आप, जैसे कि पुलिस हुआ, फिर आपका
आर्मी पर्सन हुआ, फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेट करता हो रहा है, ऐसी चीज़ों में भी आप आराम से जाएं, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। लेखपाल में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी अच्छे चांसेस आपको दिख रहे हैं। आप जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा चार्ट है, ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, फिर भी हम मैरिड लाइफ के बारे में बता दे रहे हैं। पति का कनेक्शन जाके प्यार वाले से बन गया है और आपका कनेक्शन भी जाके प्यार वाले घर से बन गया है, इसलिए आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि भी आ गई है, तो कंपेरेटिवली लोग कम रहेंगे आपके लाइफ में, लव में, लेकिन ओवरऑल ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप दिखा रहा है केतु की वजह से, एक बहुत बेकार, मतलब एक जो कहते हैं ना, वाकई दिल टूट जाएगा, अंदर से खालीपन खालीपन फील करेंगे, वैसा एक ब्रेकअप भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल बढ़िया है। अब आइए इस घर के बारे में जाना जाए कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। नौ मास पे आ जाते हैं, नौ मास में सूर्य आ गए हैं लग्न में, कॉन्फ्लिक्ट, हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन वो ईगो से रिलेट करता हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेट करता हुआ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा। अब यहाँ पे मंगल हो गए हैं ख़राब, शुक्र हो गए हैं ख़राब, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे अभी, आगे पहले देख लेते हैं। इसका मतलब जो आपका लग्न है उनमें इनकी पावर को कमी आ जाएगी, ठीक है, ख़राब नहीं होंगे, सिर्फ पावर में कमी आएगी। तो फर्स्ट हाउस में जब सूर्य आए हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, बुध का यहाँ होना ठीक है, चलेगा, हैप्पीनेस में, खुशियों में बुध का होना कोई बुराई नहीं है, इसको कोई बुरा प्लेनेट देख तो नहीं रहा, ये भी चेक कर लीजिए, नहीं देख रहा। आइए इस घर के बारे में बात कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ कितने कम्फर्टेबल हैं, कितने आप लोग के साथ एक दूसरे का कह सकते हो कि कंपनी कह लो इसको, कि एक दूसरे की कंपनी कैसी रहेगी। तो 11 नंबर शनि का है जो कमी निकाल देता है, और इसको आपको देख रहा है राहु, झगड़े वाला बंदा, ठीक है, तो थोड़ा सा झगड़ा है, थोड़ा यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो कह लीजिए, दोनों ही का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैरिड लाइफ चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छे से इसको चला सकते हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने देखा मंगल और शुक्र का इफ़ेक्ट ख़राब पड़ रहा था आपके में, तो यहाँ आपके मंगल हैं, यहाँ आपके शुक्र हैं जॉब वाले घर में, और ये हो गया आपके धन वाला घर, धन और जॉब वाले घर में इनका पावर थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छे मंगल थे आपके, तो इनका पावर को थोड़ा कम किया गया है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है, और अब क्योंकि ये मैरिड लाइफ है, आपके लाइफ में कोई आएगा और उसके बाद से ही आप इसको चेक करेंगे, देखेंगे। बात करें अगर अरेंज मैरिज की, जो कि आपके पेरेंट्स अगर करवा देंगे तो वो कैसे होगा, जो कि मैरिड लाइफ में आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो डिले होगा, फिर उसके बाद से आप लव मैरिज की तरफ निकल सकते हैं, बट बहुत ध्यान से जाएंगे। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि आपके कब कब योग बन रहा शादी का, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये है आपका बुध, बुध पे देख रहे हैं शनि, राहु, शनि राहु, बस शनि और राहु देख रहे हैं, बुध को शनि और राहु देख रहे हैं, प्रेम प्रगत में गए दशा में देख ले रहे हैं हम, शनि राहु दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है उस पर। तो अभी जो चल रहा आपका टाइम चल रहा है, यहाँ से आप देखेंगे समझेंगे, 1991 तक चंद्रमा था, 98 तक मंगल था, फिर 2016 तक राहु था, ये चीज़ दिख रहा है आपको, फिर 32 तक गुरु रहेंगे, गुरु शादी करवाते हैं, ठीक है, गुरु के टाइम में शादी होती है। आइए इसी में दिख रहा है कि शादी है कंफर्म, अब गुरु प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि इसमें शादी है, अब इसके बीच देखते हैं कौन कौन है। 2018 तक गुरु थे, फिर शनि की दृष्टि आ गई, 2020 में आपकी बनी होगी एक बार, फिर उसके बाद से बुध, बहुत बढ़िया, 2023 में दूसरे तीसरे महीने में इस बीच फिर से बात हुई होगी, फिर केतु नहीं, शुक्र नहीं बुध होंगे, फिर राहु आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 2023 2024 के बाद से 2026 में शुक्र आ गए यहाँ पे, ये भी ठीक है, शुक्र का भी यहाँ अच्छा कंडीशन देखने को मिलेगा। आइए शुक्र में हम लोग देख लेते हैं, अब फिर से शनि और राहु का होना इम्पोर्टेंट है। आइए ये देखिए, एक आपका मुहूर्त बन रहा है 2025 में, आपका एक चांस बन रहा है, और एक 2026 के स्टार्ट में बन रहा है, दो टाइम ऐसे आ रहे हैं जो आपके मैरिड लाइफ के
सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आइए, ठीक है, तो आप इस बात को समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको जो मैरिड लाइफ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छा चार्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है आपका, एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं और आप चाहते भी हैं, इसलिए पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाइए, फोकस करिए गवर्नमेंट जॉब पर, गवर्नमेंट जॉब के चांस दिखा रहे हैं और लग जाइए और गवर्नमेंट जॉब को मिलेगा 100% श्योर है। हम छोटे जॉब से स्टार्ट करेंगे, छोटे जॉब आपको मिलेंगे। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स करें, आप हम पे जुड़ सकते हैं, मेरे हर जगह हम आप पा सकते हो, आप हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हम अवेलेबल है। बहुत सपोर्ट प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और इसको बनाए रखें और इसको हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में दें, क्योंकि हम आपसे बदले में कुछ नहीं लेते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ लोगों का बच रहा है, अब देखते हैं कितने लोग का बच जा रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गई है। तो यहाँ आ गए हैं, इनका हमने बता दिया है, श्रुति जी का, रविंद्र जी का, स्नेहा जी का, अभिजीत जी का और इनका, मतलब 4-5 लोग का बन रहा है। चलिए इनका तो हम एक ही वीडियो में फिर से बना देंगे, ठीक है, मुश्किल से एक दिन के अंदर ही। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, धन्यवाद।